हेलो फ्रेंड, मैं अरशद अय्यूब गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में देखा कुछ फार्मूला, कुछ ट्रिक, है ना, कुछ फार्मूलाज वगैरह हमने देखा, कुछ कॉन्सेप्ट देखा। अब हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बारी, चूँकि आगे मैं बता रहा हूँ, आगे मैं आज बताने वाला हूँ 180 डिग्री का केस, 270 डिग्री का केस और 360 डिग्री का केस, और इतना बताने के बाद फिर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँगा। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन का डिमांड ऐसा होगा कि पहले ट्रिक बताएंगे फिर क्वेश्चन बताएंगे, तो इस तरह से आपको याद रहेगा, एक ही बार पूरा लिखवा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पिछले क्लास में हमने देखा फ्रेंड कि मैंने एक इस तरह का फिगर बनाया था जहाँ पे ये 0 डिग्री होता है, अगर इसकी बात करें सिर्फ इतना तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक बात करें तो 180 डिग्री तक का कोण बनता है, और यही कोण अगर ये वाला टर्म अगर रहे तो ये बाहर वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक कितना डिग्री का बनेगा, तो 270 डिग्री का कोण बनेगा, और पूरा एक अगर सर्कल की बात करें तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद हमने बात किया था कि जब भी चेंज का केस हो, तो कब चेंज का केस होता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री का अगर केस होता है तो चेंज करेंगे, और 180 डिग्री और 360 डिग्री का अगर केस होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। और चेंज जब अगर चेंज होगा तो चेंज किस में होगा, तो साइन कॉस में चेंज होगा, और कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, और कॉट टैन में चेंज होगा, या फिर कोसेक सेक में, या सेक कोसेक में चेंज होगा, अगर चेंज होना है तो। तो 90 डिग्री का केस तो बात कर लिए थे चेंज वाला, अब बात करते हैं 180 डिग्री का केस में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने कहा था कि 180 डिग्री का केस में, जब 180 डिग्री का केस होता है तो सिर्फ साइन और कोसेक आपका क्या होता है, साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव में होगा, ये पॉजिटिव में होगा, बाकी सब आपका नेगेटिव में होगा, इसके अलावा जो भी है वो नेगेटिव में होगा। तो वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा फिगर आपको माइंड में रखना होगा, थोड़ा सा फिगर आपको माइंड में रखना होगा फ्रेंड कि देखिए, यहाँ तक जब भी एक स्ट्रेट लाइन की बात हो, यानी 90 डिग्री तक का बात हो, सभी पॉजिटिव, 180 डिग्री का तक का अगर बात होता है तो 180 डिग्री तक के केस में साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सभी नेगेटिव हो जाएगा। अगर 270 डिग्री की बात करते हैं तो 270 डिग्री के केस में ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट की जब भी बात होगी तो सिर्फ टैन और कॉट आपका पॉजिटिव में होगा, बाकी सभी नेगेटिव में होगा, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड, उसके बाद बात करते हैं कि कॉस और सेक की मैं बात करूं तो कॉस और सेक किस में पॉजिटिव होगा, तो 360 डिग्री का अगर बात करें तो 360 डिग्री का केस में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, बाकी सभी आपका क्या होगा, नेगेटिव रूप में होगा। अब बात कर लेते हैं 180 डिग्री का, तो अगर कहीं भी दिया गया है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है, आमतौर पे फ्रेंड, आमतौर पे क्या होता है कि आपका ये जो माइनस वाला केस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, कि ये आपका देख लीजिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अगर दिया गया है, तो आमतौर पर यह थीटा को हम लोग न्यून कोण मानते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री का भी पार्ट उठा लेते हैं, न्यून कोण मानते हैं इसको हम लोग, यानी एक्यूट एंगल माना जाता है। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, जो इस वाले पोर्शन में आए, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर जो होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री जैसे ही हो गया तो वो तो आपका समकोण हो गया, लेकिन 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से अगर बड़ा हो तो उसको न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण मतलब क्या हो गया, एक डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 25 डिग्री भी हो सकता है, 35 डिग्री भी हो सकता है ना, तो 90 डिग्री से अगर छोटा हो तो वो आपका न्यून कोण कहलाता है। तो फ्रेंड, यहाँ तक अगर मैं बात करूँ कि साइन, तो साइन 180 डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो 180 डिग्री के केस में, 180 डिग्री का अगर केस बात करें, 180 डिग्री में, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, अब 180 डिग्री में थीटा को लेस करना है, 180 डिग्री में थीटा को लेस करना है, चूँकि थीटा आपका न्यून कोण है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 5 डिग्री भी, 10, 20, 30, 40, 50, यानी 90 के अंदर कोई भी हो सकता है। तो 180 में से अगर कोई भी एंगल आप लेस करेंगे, मान लीजिए 180 में से 10 डिग्री को आप लेस करेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 170 डिग्री का कोण बनेगा, और 170 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के जो बीच में होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है,
तो ये 170 डिग्री किस में आ रहा है, 90 और 180 के बीच में आ रहा है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अगर थीटा का वैल्यू 20 डिग्री है, अगर थीटा का वैल्यू 20 डिग्री है तो इसका वैल्यू 160 डिग्री होगा, 180 में से 20 गया 160, तो 160 भी कहां आएगा, 90 और 180 के बीच में ही आएगा। दैट मीन्स ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनाता है। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट बनाता है तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी होता है तो आपका सिर्फ साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव में होगा, बाकी सभी नेगेटिव में होगा। तो यहां पे साइन आया, दैट मींस ये पॉजिटिव में होगा। लेकिन 180 डिग्री का केस में एक और चीज यहां पे देख लीजिए कि 180 डिग्री के केस में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। 180 डिग्री का जहां पर भी केस हो, चाहे वो साइन का हो, कॉस का हो, टैन का हो, कॉट का हो, कोसेक का हो या सेक का हो, 180 डिग्री के केस में कोई सा भी आपका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे साइन 180 डिग्री की बात हो रही है, तो यहाँ पे साइन ही थीटा रहेगा, क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। लेकिन 180 को हटा करके सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ थीटा लिखेंगे तो काम चल जाएगा। यानी कि अगर कहीं पे भी कुछ इस तरह से दिया गया है कि बताएं कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे साइन 120 डिग्री का वैल्यू तो मैंने नहीं लिखवाया आपको। फ्रेंड, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी हो या एसएससी का कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, डायरेक्ट इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताएं कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखें कि 120 डिग्री ये तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, 120 डिग्री ये तो आपका किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आया है तो ये तो तय है कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव में होता है, यानी इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। ये तो क्लियर है आपका कि इसका जो आंसर है वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। लेकिन 120 डिग्री का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो 120 डिग्री को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो साइन 180 डिग्री। अब बताएं हमें लिखना है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री लिखने के लिए 180 डिग्री में ऐसा क्या घटाया जाए, 180 डिग्री में क्या घटाया जाए कि आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। तो अगर 180 डिग्री में अगर आप 60 डिग्री को लेस करते हैं, 180 डिग्री में अगर आप 60 डिग्री को लेस करते हैं फ्रेंड, तो 60 डिग्री को लेस करने के बाद क्या बनेगा आपका, 180 में से 60 गया 120, यानी हमने कोई बदली किया है, जैसा था वैसे ही लिख दिया, बस 120 को लिखने का अंदाज मैंने बदल दिया कि 120 को 120 ना लिख करके 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो अब देखिए ये आपका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है कि साइन 180 माइनस थीटा, थीटा का जगह पे क्या है, 60 डिग्री है, तो साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो साइन ही थीटा होता है, क्योंकि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये आपका साइन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे साइन में क्या करना है, 180 को नहीं लिखना है, सिर्फ थीटा को लिखना है, यानी सिर्फ 60 डिग्री को आपको लिखना होगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। और चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव में ही रहेगा, साइन आपका किस में रहता है, पॉजिटिव में ही रहता है, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का हमने लिखवाया हुआ है √3/2। तो यानी कि साइन 60 डिग्री का अगर वैल्यू √3/2 है, तो आप कह सकते हैं कि साइन 120 डिग्री का भी वैल्यू क्या होगा, साइन 120 डिग्री का भी वैल्यू क्या होगा, तो √3/2 ही होगा। इसी को प्लस वाले फॉर्मेट में भी लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। देखिए ऐसे ही फॉर्मूला बहुत है याद करने के लिए, फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा है याद करने के लिए, अगर इसमें प्लस वाला भी चाहे तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि प्लस वाला भी एक फॉर्मेट होता है। मतलब क्या है कि आप 120 डिग्री को और क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, यानी साइन 90 डिग्री और 90 में कितना जोड़ा जाए कि 120, हमें 120 डिग्री लिखना है, तो 90 में कितना जोड़ेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो 90 में अगर मैं 30 को जोड़ूं, 90 में मैं अगर 30 को जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, तो 90 में अगर 30 को जब हम ऐड करते हैं, तो 90 में 30 को ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, 90 में अगर मैं 30 को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, यानी कोई बदलाव नहीं किए हैं। अब आगे बनाते हैं, तो 90 डिग्री का केस, अब हम लोग आ गए 90 डिग्री के केस वाले में जो मैंने कल आपको बताया था। तो 90 डिग्री के केस में दो केस बनता है, पहला सभी पॉजिटिव में होता है, 90 डिग्री के अंदर का अगर केस हो, 90 डिग्री के अंदर का अगर केस हो, हालांकि ये आपका 120 डिग्री आपका आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर 90 डिग्री की मैं बात करूँ तो 90 डिग्री की मैं बात करूँ तो 90 डिग्री का केस में क्या होता है, सभी पॉजिटिव में होता है, लेकिन चूंकि ये 120 डिग्री है तो 120 डिग्री 90 और 30 मिला करके 120 डिग्री, लेकिन यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट भी अगर लेते हैं तो साइन आपका किस में रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा।
आपका क्या है साइन थीटा, साइन थीटा, ये साइन की जब भी बात होगी अगर 90 से 180 डिग्री के बीच का बात हो रहा है तो साइन हमेशा किस में रहेगा आपका पॉजिटिव में रहेगा, साइन किस में रहेगा पॉजिटिव में रहेगा, तो अगर साइन पॉजिटिव में रहेगा तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। दूसरी बात 90 डिग्री के केस में क्या मैंने बताया था कि 90 डिग्री का केस में चेंज होता है, 90 डिग्री के केस में क्या होता है जब भी यहाँ पे 90 डिग्री रहे तो क्या करेंगे चेंज करेंगे। अब जब चेंज करने की बात हो रही है तो साइन को चेंज करना है तो साइन किस रूप में चेंज होगा तो कॉस के रूप में चेंज होगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका कॉस कॉस और कॉस कितना डिग्री, तो कॉस ये वाला एंगल सिर्फ लेते हैं ना 90 को तो छोड़ देंगे, यानी कॉस 30 डिग्री को लेना होगा। अब यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो आपका नेगेटिव में आएगा क्योंकि सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सभी नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन फ्रेंड कॉस आपका जरूर आया लेकिन इसको हमको नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि आपका सॉल्यूशन क्या था, तो सॉल्यूशन में साइन थीटा था तो इसको देखना है कि इसमें ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है वो क्या आ रहा है। देखिए अगर कॉस की मैं बात करूं तो कॉस 30 तो आपका 90 डिग्री ये वाला फॉर्मेट में आ गया ना, तो जब ये वाला फॉर्मेट में आ गया तो यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे हमें किसको देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा यानी साइन 120 डिग्री को देखना पड़ेगा। तो साइन 120 डिग्री किस में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस क्या होता है पॉजिटिव में होता है, इसलिए ये भी भाग आपका क्या होगा पॉजिटिव में होगा। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो √3/2 होता है। अब देखिए ऐसे भी बनाए तो आपका आंसर वही आया और अगर आप ऐसे भी बनाते हो तो आपका आंसर वही आता है, तो आप प्लस वाले को लेकर के ना चले, या तो सिर्फ प्लस वाले को लेकर चलिए या तो सिर्फ माइनस वाले को लेकर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि आपके पास मटेरियल बहुत है याद करने के लिए, तो ज़्यादा अगर आप लेकर के चलेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ माइनस को लेकर के आप चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर यही रहता आपका tan 120 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो tan 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, तो 180 में अगर माइनस 60 कर दे तो क्या बन जाएगा tan 120 डिग्री बन जाएगा। अब 180 डिग्री के केस में क्या tan चेंज होता है, 180 डिग्री के केस में क्या tan चेंज होता है, नहीं, 180 डिग्री के केस में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, यानी ये आपका tan के ही रूप में रहेगा, ये किस रूप में रहेगा tan रूप में ही रहेगा, और एंगल के जगह पे क्या देना होगा 180 को छोड़ देंगे यानी कि सिर्फ 60 डिग्री देना होगा। लेकिन 180 डिग्री के केस में अगर ये बात कर रहे हैं ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रेंड सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव में होगा, बाकी सभी क्या हो जाएगा नेगेटिव में होगा, तो ये इसका साइन tan 60 डिग्री नहीं होगा माइनस tan 60 डिग्री होगा, और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 होता है, और ये −√3 आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल सिर्फ मैं बता दे रहा हूं कि अगर मैं इसको प्लस, अगर नोट करना चाहते हैं साइन वाले को तो आप नोट कर ले, अगर यही बात आपका रहे, यही चीज अगर आपका दिया रहे कि प्लस में इसको प्लस वाले रूप में अगर हमें ये करना है तोड़ना है, हालांकि मेथड पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा याद करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, इसलिए प्लस वाले को निगलेक्ट करके चल रहे हैं। अब बात कर रहे हैं tan 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, tan 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, और माइनस वाले करके नहीं प्लस वाला करके निकालना है, तो प्लस वाला करके निकालेंगे तो tan को आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो tan के साथ 90 डिग्री इस बार देना पड़ेगा। अब 90 डिग्री में क्या जोड़ा जाए कि आपका क्या हो जाएगा 120 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री अगर मैं जोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120 डिग्री होगा। अब 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 90 प्लस 30 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 प्लस 30 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में आपका tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। लेकिन 90 डिग्री के केस में क्या होता है, तो 90 डिग्री के केस में चेंज होता है, तो 90 डिग्री के केस में अगर चेंज होता है तो 90 डिग्री के केस में चेंज होता है, तो tan किस में चेंज होगा, तो tan आपका मैंने बताया था tan किस में चेंज होगा, तो cot में चेंज होगा, यानी माइनस यहां पे cot हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। अब बताएं cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू आता है √3, और ये माइनस तो पहले से है तो यहां पे −√3 हो जाएगा, तो ऐसे भी निकालेंगे तो आपका आंसर वही आने वाला है, और ऐसे भी निकालेंगे तो आपका आंसर वही आने वाला है। यकीन मानिए फ्रेंड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एंगल थोड़ा सा हो सकता है बड़ा कर दे, मैंने बताया 360 डिग्री, हो सकता है 360 डिग्री से भी ऊपर ले जाए,
हो सकता है 360 डिग्री से भी ऊपर ले जाए, हो सकता है 720 डिग्री पूछ दे आपसे, हो सकता है 780 डिग्री आपसे पूछ दे, तो उसमें भी घबराने वाली जरूरत नहीं। मैं हर तरह का क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं फार्मूला की, तो इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे हम लोग क्वेश्चन इस तरह का करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। देखिए, तो साइन आपका साइन रूप में ही रहेगा। अब कॉस 180 डिग्री की बात करते हैं, तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये तो तय है कि कोई भी हो अगर 180 डिग्री का केस है तो कोई बदलाव नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे कॉस थीटा ही रहेगा। अगर यहाँ पे बात करें कि टेन थीटा की, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा की मैं बात करूँ, तो टेन 180 डिग्री माइनस थीटा टेन में ही रहेगा आपका, इसमें रहेगा टेन में ही रहेगा। अगर कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा की मैं बात करूं तो ये आपका कॉट रूप में ही रहेगा, यानी कॉट थीटा ही बनाएगा। अगर यहां पे सेक 180 डिग्री माइनस थीटा की मैं बात करूं तो ये सेक थीटा ही कहलाएगा आपका। उसके बाद मैं बात करता हूं कोसेक, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा की मैं बात करूं तो ये किस में कहलाएगा आपका, तो ये आपका कोसेक थीटा ही कहलाएगा। लेकिन अब बात करते हैं साइन का, तो 180 डिग्री में कोई सा भी एंगल घटाएं, कोई सा भी न्यून कोण घटाएं, यानी चाहे 1 डिग्री घटाएं, 2 डिग्री घटाएं, 90 डिग्री से जितना भी छोटा घटाएं, तो आपका कितना रहेगा, तो 90 डिग्री से छोटा आपका, अगर बात करें तो 1 डिग्री भी होता है, तो अगर 1 डिग्री 180 में से घटाएंगे, अगर थीटा का वैल्यू 1 डिग्री है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 179 डिग्री आएगा। अगर 90 डिग्री से छोटा में, 90 डिग्री से छोटा में सबसे बड़ा क्या हो सकता है, तो 89 डिग्री, तो अगर 89 डिग्री में लेस करूं तो अब आपका क्या बन जाएगा। अगर मैं 89 डिग्री की बात करता हूं तो 180 में से अगर 80 घटेगा तो 100 बच गया, 9 और घटेगा तो कितना बच जाएगा, 91, यानी कि 91 डिग्री, 91 डिग्री, यानी कम से कम कितना हो सकता है, थीटा अगर घटाया जाए तो कम से कम 91 डिग्री हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 179 डिग्री हो सकता है। अगर थीटा का वैल्यू न्यून कोण है और थीटा इसमें घटाना है, तो थीटा अगर घट रहा है तो या तो इसका वैल्यू कम से कम 91 आएगा या तो 179 आएगा, और 91 से लेकर के 179 तक किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पे सभी आपका, सभी 180 माइनस थीटा की सभी जगह पे बात हो रही है, तो यहाँ पे सभी, इसका मतलब 91 डिग्री से 179 डिग्री के केस का बात कर रहा हूं मैं, तो 91 से 179 डिग्री का अगर बात कर रहे हैं तो सभी आपका सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन कौन पॉजिटिव हो सकता है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव में हो सकता है, इसके अलावा सभी नेगेटिव। तो साइन आपका पॉजिटिव में होगा और कोसेक आपका पॉजिटिव में होगा, उसके अलावा जो भी वैल्यू है वो किस में आएगा, आपका नेगेटिव में आएगा। आपका सेकंड क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव में हो सकता है, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव में होगा, इसके अलावा सभी आपका किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट माइंड में छप गया होगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बताते बताते ही आपके ध्यान में आ गया होगा। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि साइन किस में बदलेगा तो कॉस में बदलेगा, कॉस किस में बदलेगा तो साइन में बदलेगा, टेन किस में बदलेगा कॉट में बदलेगा, तो कॉट किस में बदलेगा टेन में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा तो सेक किस में बदलेगा कोसेक में बदलेगा। अगर बदलना है तो बदलने का केस क्या है, तो 90 डिग्री का बात करें और 270 डिग्री का अगर मैं बात करूं तभी बदली होगा, अदरवाइज 180 डिग्री और 360 डिग्री के केस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो अगर बदलने की बात मैं करूं तो 90 डिग्री यहां पे रहना चाहिए या 270 डिग्री रहना चाहिए, तब साइन कॉस में बदलेगा। अगर 180 डिग्री या 360 डिग्री है तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, और अगर 360 डिग्री की भी मैं बात करूंगा आगे चल के, तब भी साइन साइन में ही रहेगा, यहां पे चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा। तो अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लें, उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं। 180 डिग्री का बात मैंने कर लिया, अब 270 डिग्री की मैं बात करता हूं कि 270 डिग्री के केस में क्या होगा, 270 डिग्री एक केस में चेंज होगा। मैं चाहूंगा कि एक बार 270 डिग्री माइनस थीटा लिख करके एक बार आप लोग खुद से ये ग्राफ बना ले, ये पूरा चार्ट बना ले, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक का एक बार चार्ट बना ले कि क्या आप सही फॉर्मूला लिख पाते हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करें और साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा एंड सेक 270 डिग्री माइनस थीटा एंड कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, ये आप वीडियो पॉज करके चाहे तो लिख लें। अगर
समझ में आ गया है तो, समझ में नहीं आया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक मैं बता देता हूँ, बाकी मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से ही इसको तैयार कर ले इस चार्ट के हिसाब से जो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। तो 270 डिग्री के केस में या तो आप वीडियो को, अगर समझ में अच्छे से आ गया तो अभी वीडियो को पॉज कर ले, या मैं एक एग्जांपल बताऊँगा उसके बाद आप क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करेंगे। तो आइए हम लोग मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। फ्रेंड अब मैं बात कर रहा हूँ 270 डिग्री की। तो अगर कहीं पे भी रहे साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा का वैल्यू 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, इस तरह से जाते जाते 89 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री नहीं हो सकता है क्योंकि थीटा आपका न्यून कोण है। तो थीटा अगर न्यून कोण है तो इसमें से अगर मैं 1 डिग्री, यहाँ पर 270 है, 270 में से अगर हम 1 भी घटाएंगे तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो 270 डिग्री में से अगर मैं 1 डिग्री घटाऊं तो 1 डिग्री घटाने के बाद कितना बनेगा, तो 269 डिग्री बनेगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा न्यून कोण में, सबसे बड़ा न्यून कोण कौन होता है, तो 89 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री तो आपका सम कोण हो जाता है। तो अगर 89 डिग्री हम 270 डिग्री में अगर 89 डिग्री को लेस करते हैं तो मेरा कितना बन जाएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 1, यानी 181 डिग्री। यानी बेसिकली जो बात किया जा रहा है वो 181 डिग्री से लेकर के 269 डिग्री तक की बात हो रही है। तो 181 आपका नीचे आ रहा है और 270 आपका ऊपर जा रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की इस बार मैं बात कर रहा हूं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यानी 270 डिग्री के केस में चेंज होता है, यानी कि साइन किस में आपका चेंज होने वाला है। तो जब भी चेंज होगा, अगर चेंज जहां पे आ गया तो साइन किस में चेंज होगा, तो साइन आपका कॉस के रूप में चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, तो कॉस के रूप में चेंज होगा, यानी यहां कॉस थीटा आ जाएगा। लेकिन चूंकि यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट का बात किया जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात में पॉजिटिव कौन कौन हो सकता है, सिर्फ टैन एंड कॉट, टैन और कॉट ही पॉजिटिव में हो सकता है, बाकी सब नेगेटिव में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये क्या है आपका, साइन है, तो क्या ये यहाँ पे साइन आपको दिखाई दे रहा है, नहीं ना, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव में, बाकी इसके अलावा जो भी होगा वो नेगेटिव में होगा। यानी साइन आपका किस में हो जाएगा, तो नेगेटिव में हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में रहेगा। तो अब आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें और अब इसको, अब आगे का चार्ट आप बनाने की कोशिश करें। आइए मैं देखता हूँ यहाँ पे कॉस, अब बात करते हैं कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा की मैं बात कर रहा हूँ। तो कॉस 270 डिग्री, कॉस किस में, 270 डिग्री है, यानी चेंज होगा, यानी 270 डिग्री का बात करेंगे तो चेंज होगा। तो कॉस किस में चेंज होगा, तो साइन के रूप में चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होगा, साइन के रूप में चेंज होगा। और 270 डिग्री के केस में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के केस में, आपका कॉस का साइन बदलेगा, क्या कॉस नेगेटिव में आ जाएगा, हाँ, क्योंकि सिर्फ टैन और कॉट ही पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सभी नेगेटिव में आ जाएगा। और यही अगर मैं बात करूँ टैन थीटा की, टैन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 डिग्री है तो टैन बदलेगा, तो टैन किस में बदलेगा आपका, कॉट में बदलेगा। तो यहाँ पे आ गया आपका कॉट थीटा आ गया, यहाँ पे कॉट थीटा आ गया। अब टैन की मैं बात कर रहा हूँ, तो 270 माइनस थीटा की, तो टैन 270 माइनस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव में होता है, यानी ये पॉजिटिव में ही रह जाएगा, प्लस में ही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा की मैं बात करता हूँ, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, चेंज होगा, तो कॉट किस में चेंज होगा, टैन थीटा में। और कॉट भी 270 डिग्री माइनस थीटा के केस में आपका कॉट भी क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव में रहेगा। उसके बाद बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक 270 डिग्री माइनस थीटा की अगर मैं बात करूँ, तो 270 डिग्री माइनस थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, तो सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक किस में बदलेगा, तो सेक कोसेक में बदलेगा, यहाँ पे कोसेक थीटा आ जाएगा, कोसेक थीटा होगा। लेकिन सेक थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो सेक थीटा का साइन क्या होगा, पॉजिटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इसलिए नेगेटिव में हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कोसेक थीटा की, तो कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस कोसेक किस में बदलेगा, कोसेक आपका किस में बदलेगा, तो कोसेक आपका सेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। लेकिन कोसेक थीटा क्या 270 डिग्री के केस में कोसेक थीटा का साइन क्या होना चाहिए, तो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टैन और कॉट ही पॉजिटिव में होता है, तो ये आपका नेगेटिव में होगा। तो यहां पर अगर यही बात अगर 90 डिग्री का बात करते, तो 90 डिग्री के केस में भी सेम था, साइन कॉस में बदला, कॉस साइन में बदला, टैन कॉट में बदला,
कॉट टेन में बदला, सेक कोसेक में बदला और कोसेक सेक में बदला, लेकिन 90 डिग्री के केस में मैंने क्या बताया था आपको कि ऑल पॉजिटिव यानी सभी पॉजिटिव होगा। तो सभी अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे सिर्फ ये बाकी जो आपको निगेटिव दिखाई दे रहा है अगर सभी को पॉजिटिव कर दें तो ये आपका 90 डिग्री का केस बन जाएगा। अगर मैं बात करूं कि क्या tan 270 डिग्री माइनस थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा का इक्वल है क्या, अगर मैं बात करूं कि tan 270 डिग्री माइनस थीटा और sin या फिर सॉरी tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो फ्रेंड tan को आप क्या लिख सकते हैं, tan को 270 के केस में tan बदली होता है यानी tan cot में बदल जाएगा, tan cot में बदल जाएगा और cot में बदल जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और 270 डिग्री के केस में क्या होता है, tan आपका पॉजिटिव में होता है यानी ये पॉजिटिव में ही रह जाएगा। अब बात कर रहे हैं 90 डिग्री का केस, तो tan 90 डिग्री के केस में भी क्या होना है, चेंज होना है। तो tan किस में चेंज होगा, तो cot रूप में ही चेंज होगा। tan किस में चेंज होगा, cot में ही चेंज होगा यानी cot थीटा ही होगा। और 90 डिग्री के केस में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है। 0 टू 90 डिग्री की अगर बात करें तो सभी पॉजिटिव होगा यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो आप नहीं कह सकते हैं कि tan 270 डिग्री माइनस थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल ही है, क्लियर है ना। लेकिन अगर यही बात अगर किया जाएगा कि sin 270 डिग्री माइनस थीटा क्या इक्वल है sin 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल है क्या, तो अगर मैं इसकी इसका बात करूं तो 270 डिग्री के केस में चेंज होगा तो sin किस में चेंज होगा, तो cos के रूप में चेंज होगा, cos थीटा के रूप में चेंज होगा। लेकिन 270 डिग्री का जहां पे केस बनेगा 180 से 270 के बीच में अगर थर्ड क्वाड्रेंट की जहां पे बात होगी तो tan और cot ही पॉजिटिव में हो सकता है, बाकी सब नेगेटिव में होगा यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा। लेकिन जब sin 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो 90 डिग्री का केस भी आपका क्या करता है, बदलता है, यानी sin किस में बदलेगा, cos में बदलेगा, cos थीटा में बदलेगा। लेकिन 90 डिग्री के केस में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है। तो बताइए क्या माइनस थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा दोनों बराबर हो सकता है क्या, नहीं, तो ये दोनों भी आपका बराबर नहीं हो सकता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको खुद से क्रिएट करना होगा कि हाँ भाई ऐसे केसेस में तो tan और cos tan 270 डिग्री माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा दोनों तो इक्वल होगा, cot 270 डिग्री माइनस थीटा और cot 90 माइनस थीटा ये भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा क्योंकि दोनों यहाँ पे पॉजिटिव में हैं, क्लियर है। अब लास्ट एक देखते हैं हम लोग 360 डिग्री का केस। तो आइए देखते हैं हम लोग 360 डिग्री में, मैं चाहूँगा कि इस बार 360 डिग्री का केस आप लोग खुद से सॉल्व करें खुद से बनाएं। तो आइए देखते हैं हम लोग 360 का केस। तो यहाँ पे दिया गया है साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा आपका दिया गया है। तो 360 डिग्री के केस में क्या चेंज होता है, तो चेंज नहीं होता है यानी साइन आपका साइन थीटा के रूप में ही रहेगा। अगर साइन 360 डिग्री माइनस थीटा सॉरी कॉस 360 माइनस थीटा कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा की मैं बात करूं तो कॉस किस में रहेगा, आपका कॉस थीटा के रूप में ही रहेगा। अगर टेन 360 डिग्री माइनस थीटा की मैं बात करूं तो tan किस में रहेगा, tan ही में रहेगा क्योंकि tan 360 डिग्री केस में चेंज नहीं होता है। अगर cot की मैं बात करूं, cot 360 डिग्री माइनस थीटा की मैं बात करूं तो cot आपका cot में ही रहेगा यानी cot आपका cot थीटा के रूप में रहेगा। उसके बाद मैं बात करूं कि sec 360 डिग्री माइनस थीटा की मैं बात करूं तो sec आपका किस में रहेगा, तो sec थीटा के रूप में ही रहेगा। अगर cosec की मैं बात करूं, cosec 360 डिग्री माइनस थीटा की मैं बात करूं तो cosec किस में रहेगा, cosec रूप में ही रहेगा यानी cosec थीटा के रूप में ही रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं sin का, मैं चाहूँगा कम से कम sin आप लोग बताएं। यहाँ पे 360 डिग्री है, 360 डिग्री एक पूरा कंप्लीट सर्कल जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। अगर इसमें एक डिग्री भी घटाते हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना घटा सकते हैं, तो 89 घटा सकते हैं, तब भी आपका फोर्थ ही क्वाड्रेंट में रहेगा। यानी थीटा का वैल्यू 1 हो, 1 एक से लेकर 89 तक अगर है तो आपका ये हर हाल में फोर्थ ही क्वाड्रेंट में रहेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो कौन कौन सा सिर्फ पॉजिटिव में रहेगा, आपका कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव में रहेगा। तो कॉस और सेक
ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सभी आपका किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, बाकी सभी नेगेटिव में हो जाएगा। ये तो पॉजिटिव में है, ये आपका नेगेटिव में हो जाएगा, यही फर्क है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके इससे नोट कर लें आप लोग। नोट करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये इतना लंबा फॉर्मेट लिखने का समय नहीं मिलेगा फ्रेंड। क्वेश्चन स्टार्ट में करूँगा 90 डिग्री से, या फिर चलिए बड़ा ही डिग्री से स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग पहले इजी लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हाई लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। तो हाई लेवल का क्वेश्चन को भी सॉर्ट कैसे किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो आइए फ्रेंड देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, एंड पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेन 350 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। मैं चाहूँगा कि अगर बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करें। इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है फ्रेंड। तो आइए हम लोग देखते हैं, कॉस 210 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो कॉस 210 डिग्री किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में आ रहा है। 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में आ रहा है, यानी कि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो 270 में अगर हम कुछ घटाएंगे तो कितना डिग्री बनेगा, 210 डिग्री बनेगा, यानी 270 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो 270 डिग्री। अब 270 डिग्री में ऐसा क्या घटाया जाए कि 210 डिग्री बन जाएगा, तो 270 डिग्री में से अगर मैं 60 डिग्री लेस कर दूँ, 60 डिग्री अगर मैं लेस कर दूँ तो कितना डिग्री बन जाएगा, तो 270 में से 60 गया 210 डिग्री। यानी अभी भी ये सेकंड, पहले भी सेकंड क्वाड्रेंट में था, अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं बदला है। अब बात हो गया 270 डिग्री का केस। तो 270 डिग्री के केस में क्या चेंज होता है, तो हाँ 270 डिग्री के केस में चेंज होता है। तो कॉस किस में चेंज होगा फ्रेंड, तो कॉस साइन में चेंज होगा, और थीटा के जगह पर थीटा का वैल्यू दिया गया 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री होगा। लेकिन जब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट आपका पॉजिटिव में रहेगा। क्या यहाँ पे टैन है या कॉट है, नहीं है ना, यहाँ पे तो कॉस है। इसका मतलब ये पॉजिटिव में ना होकर के इसका आंसर क्या आएगा, आपका नेगेटिव में आएगा। तो माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू मैंने आपको लिखवाया हुआ है रूट 3/2। अगर अब समझ में आ गया है तो मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग वीडियो पॉज करके बनाएं। एक बारी मैं बता देता हूँ, देखिए अब टैन 315 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 315 डिग्री कहाँ आएगा, तो 270 और 360 के बीच में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात किया जा रहा है, यानी 360 में अगर हम कुछ घटाएंगे तो कितना आएगा, 315 डिग्री आएगा। तो टैन 360 डिग्री, अब 360 डिग्री में ऐसा क्या घटाया जाए कि 315 डिग्री ही रहे, क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ पे 360 डिग्री में अगर मैं 45 डिग्री को लेस करता हूँ, 45 डिग्री को लेस करता हूँ, तब क्या आएगा आपका, तो 315 डिग्री के बराबर रहेगा। अब यहाँ पे बात हो गया 360 डिग्री वाला, तो 360 डिग्री के केस में, 360 डिग्री के केस में क्या कोई चेंज होता है, नहीं, चेंज नहीं होता है। तो 360 डिग्री के केस में आपका टेन थीटा के रूप में ही रहेगा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री दिया गया है। लेकिन 360 डिग्री के केस में यहाँ, यानी कि यहाँ पर का बात किया जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सब नेगेटिव में हो जाएगा। टेन आपका किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, टेन माइनस, और टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो बताइए 315 डिग्री का वैल्यू पता नहीं था हमें, लेकिन 315 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट कर दिए माइनस टेन 45 डिग्री में, तो 45 डिग्री का तो वैल्यू आपको पता ही है फ्रेंड कि कितना होता है, 1 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ना होकर के, चूंकि यहाँ पे 360 डिग्री का केस हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्लास में फिर से मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे कुछ दिन तक, तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो देख करके शायद आपको डर लगता हो, बनाने के बावजूद भी 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आपका समय लगता था, लेकिन अब वैसा नहीं होगा, यकीन मानिए, भरोसा रखिए मेरे ऊपर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।